चूबे अजावत के बच्चे, चैलेंज किया था ना मुझे, अब देख तेरे सामने तेरी रानी को अपनी राधिका बना रहा हूं। जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। पंडित जी कंटिन्यू। हरि ओम ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। अब वधु को मंगल सूत्र पहनाइए। ये लीजिए। बधाई हो, आज से आप दोनों पति पत्नी के अटूट बंधन में बंध चुके हैं और ये विवाह संपन्न हुआ। अगर तुम चाहो तो अपने पहले पति का आशीर्वाद ले सकती हो रानी। ओह सॉरी, मेरा मतलब राधिका सिंह शेखावत। हम बुरा नहीं मानेंगे। तुम चाहो तो तुम भी मुझसे आशीर्वाद ले सकती हो सूरज। दिल से दूंगा। शादी मुबारक हो। ठीक है, सरप्राइज। वैसे तो आशीर्वाद हमारा भी देना बनता है, काहे कि हम आपकी मास्टरनी है और आप हमारे स्टूडेंट। तो हाँ, शादी की शुभकामनाएं। आप दोनों सदा सुखी रहे, आपकी पत्नी सदा सुहागन रहे, आपको तमीज सिखाए, अच्छा इंसान बनाए, और अगर आप पटरी से यहाँ वहाँ हिले तो खेच के कान के नीचे कंटा लगाए। शादी की हार्दिक शुभकामनाएं।
मेरे हुक्म को मुझसे छीनोगी, बस कुछ पल और, फिर ये कुकर सीधा तुम्हारे सिर पे फटेगा। बस अब कभी भी फटा। दस, नौ, आठ, सात, इस मुसीबत को भी आप ही बचना था। फटा फटा। लगता है बिजी होंगी। हरी, ये क्या, तुम ठीक तो हो ना? जी मम्मी जी, हम ठीक, हम तो बस कुकर में, हाँ, कुकर फट गया। हे भगवान, दीदी आप ठीक कह रहे, कहीं लगी तो नहीं है ना आपको? हुकुम ने मुझे कुछ जरूरी काम दिया है और मैंने गैस पे कुकर रखा है, तो अगर आप खड़े होकर 10 मिनट के लिए ध्यान रख लेंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और कितना नीचे गिरोगी तुम चंपा? हैं? मैंने क्या किया, आप मुझे क्यों डांट रही हो? तुम, तुमसे तो बात करना ही फिजूल है, लेकिन एक बात हमारी कान खोल कर सुन लो। जितनी भी टेढ़ी चाल तुम चल रही हो ना, हम तुम्हें उसमें कामयाब नहीं होने देंगे, समझी तुम? दीदी, मैंने आपका नमक खाया है, ऐसी ऊंची बातें कैसे कर सकती हूँ आप? मैं तो किचन में आपकी मदद करा रही थी और आप? अरे क्या पक रहा है आज? हुकुम देखे ना, दीदी खामखा मुझ पे इल्जाम लगा। ये सब जल्दी अच्छे से साफ करो। और हाँ माँ, नंदिनी, हम सबको रजावत हाउस के लिए निकलना होगा, वो लोग वापस आ गए हैं। सच? आज रात को नवरात्रि की पूजा रखी है रानी सामने। भाभी सा का कॉल आया था, आप दोनों तैयार हो जाइए। हम अभी आते हैं बस। अगर इस नंदिनी ने रानी सा को सब बता दिया तो रानी सा मेरी खाल उधेड़ देंगी। हुकुम की मदद लेनी होगी बचने के लिए। देवर जी, आप परेशान लग रहे हैं। हाय विक्रम, अब्रॉड जा रही हूँ जिंदगी की नई शुरुआत करने। तुम भी सब भूल कर अब आगे बढ़ो। डिवोर्स के पेपर भिजवा रही हूँ, साइन कर देना। टेक केयर कियारा। अब प्यार पूरा हो, ये प्यार करने की शर्त कब से होने लगी देवर जी? जानता हूँ भाभी, सब समझता भी हूँ, पर थोड़ा बुरा तो लगेगा ना। कियारा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है और मैं आज भी उसके पीछे। देवर जी, हमें लगता है
जैसे उनका आना लिखा था आपकी जिंदगी में, वैसे ही जाना। परंतु हमें ये भी लगता है कि माता रानी जरूर आपके लिए कुछ सोची होंगी, और नहीं तो का, अब आप इतने सुंदर से चौचक वकील बाबू है, कुछ तो जरूर होगा। जल्दी आपके दिल के दरवाजे पर कोई ना कोई दस्तक देगा। अब चलिए लंबी स्माइल के साथ हमारे साथ पूजा में शामिल हुई। चलिए और वो दस्तक हम देंगे। परंतु डॉक्टर साहब आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? अरे थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, पहुंच ही गए। परंतु कुछ नहीं बोलेंगे आप, रेडी? हाँ। जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है शायद उसके चलते आप भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूला रानी। कहाँ भूल गए डॉक्टर साहब? आज का दिन वही दिन है जब हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। अजीब है ना, वक्त हम दोनों एक दूसरे से सिर्फ नफरत करते थे, और अब देखिए पूरी शिद्दत से एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप सिर्फ मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है रानी, मेरी पूरी जिंदगी बन चुकी है। जिंदगी तो आप भी हमारे बन गए हैं डॉक्टर साहब, और आपसे ज्यादा जरूरी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसे बहुत बढ़िया इंतजाम किया है आपने, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ। परंतु ज्यादा फिल्में देख रहे हैं क्या आजकल? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको देख भी रहा हूँ और आपसे सीख भी रहा हूँ। पर वैसे आप कम फिल्मी नहीं है, ओके? हमसे और काका सीखे हमसे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने ये सीखी है कि कैसे समोसे को चटनी में पूरी तरह से डुबोकर थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा प्याज डालकर खाते हैं। इसलिए आज पूरी तरह आपके मनपसंद खाने का इंतजाम किया है। सच कहूं तो पहले इन सब चीजों से भागता था मैं, लेकिन अब ये सब अच्छा लगने लगा है। साची, अच्छा तो आज से आप हमारे साथ हमारे स्टाइल में खाएंगे का? आज से क्यों, अभी से। इसलिए तो ये सब आपके मनपसंद का बनाया है। आई गजब, बहुत मजा आएगा। चलिए लीजिए।
चल रही, हम भी विक्रम जी के साथ ऐसे ही इश्क लड़ाएंगे। हे माता रानी, रानी बहन का तो हो गया, हमारा भी प्यार पार लगा दीजिए। मजा आ गया डॉक्टर साहब। थोड़ा और मजा बाकी है, कुछ और भी दिखाना है आपको। अब और क्या दिखाना है? आप आइए तो सही। जो आज तक कहना बाकी रह गया है, जो आज तक ठीक से कह नहीं पाया हूं, बस वो कहना चाहता हूं पूरी दुनिया के सामने। क्या हो गया आप? कुछ आपने दिन में पीना शुरू कर दिया? हम नशे में हैं नंदिनी, जिंदगी के नशे में। अजय मेरी बात, फिर से ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। जानती हो ना क्या होगा? लगता है भूल गई, अभी याद दिला देते। चंपा ने जब हमारी बात सुनी, देखिए हाथ तो लगाकर दिखाइए नंदिनी दीदी को, बताते हैं फिर। जिस देवी की पूजा करनी चाहिए उसे हमने, हे भगवान क्यों ऐसा पाप करने दिया हमें? हमें माफ कर दीजिए नंदिनी। ठीक, क्या करें? हमें माफ कर दीजिए। ऊपर उठे, आप क्या करें? क्या हो गया आपको? जी गलती की हमने, चोट पहुंचाई आपको, बदतमीजी की आपके साथ, और अगर वक्त रहते आपसे माफी नहीं मांगी ना नंदिनी, तो आप हमें छोड़ के चली जाएंगी, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। पागल थे हम, और साथ ही साथ अंधे भी, आपका प्यार ही नहीं देख पाए। तो कहते हैं ना कि नशे में इंसान सच कहता है, यही हमारी सच्चाई है नंदिनी, कि हम आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं नंदिनी। बस ढंग से जता नहीं पाए। आप अब हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे? नहीं जी, हम यही आपके पास। हाँ थोड़ा नाराज तो हम आपसे थे, लेकिन सच कहे तो हमने आपसे कभी प्यार करना नहीं छोड़ा। आपने माफ कर दिया हमें। आप तो सच में देवी निकली नंदिनी। गधी हो तुम जो फिर से हमारी बातों में आ गई। थैंक यू भगवान ऐसी भोली बीवी देने के लिए।
आप तो सच में देवी निकली। थैंक यू नंदू, आप महान हो, गुलकन से भरा पान हो, हमारी जान हो। नंदनी आई लव यू। ये पूपक सच में सुधर गया का? आई लव यू टू। लेकिन आप ना रोना बंद कीजिए वरना हम और इमोशनल हो जाएंगे। देखिए कितना अच्छा मौका है, सब आरती कर रहे हैं, हम भी आरती करते हैं और हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं जी। चलिए। नहीं, हमने पहले ही बहुत पाप किए हैं, ऐसे नशे की हालत में हम मंदिर में नहीं जाएंगे। आप आरती करो, हम दूर से देखेंगे आपको। चलिए नंदिनी बेटा, आरती करते हैं। आपकी और हमारी पहली लड़ाई नहीं है, काफी एक्सपीरियंस हो चुका है अब हमें। आप कब क्या कैसे सोचती हैं उसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो बताइए कितने मार्क्स देंगी 10 में से इस परफॉर्मेंस के? भांग का नशा भाभी सा, हम तो खुशबू से ही पहचान गए थे। क्या आपका गांव है ये जो वहां की तरकीबें यहां अपना रही हैं आप? हमें हराना है तो कुछ बड़ा सोचिए, अपने इस जंग लगे दिमाग को साफ करके कुछ फ्रेश आइडियाज लाइए। और एक आइडिया दें, ये सारा चक्कर छोड़ छाड़ के ना अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए। इतनी मुश्किल से सब लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं, ज्यादा मचलिए मत वरना वापस हम भेज देंगे। अभी काफी आपको कंटाप लगाकर सारा मैटर क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फुल एंड फाइनल इलाज करना है ना तो उसका दबा बनाने में टाइम तो लगेगा ही। आप तैयार हो जाइए राजा बाबू, कहे कि आपको राजा से रंग बनाने में हमको बहुत ही मजा आने वाला है। चाबी दो हमें, चाबी दो। मुझसे बदतमीजी नहीं, याद है ना आपको? आपके खिलाफ सारे सबूत है मेरे पास। अगर आप मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश करोगे ना तो मैं भी आपसे आपका सब कुछ छीन लूंगी। अरे चंपा डार्लिंग, अरे चंपा डार्लिंग, गुस्सा बड़ा आता आजकल तो। अच्छा हमें ना बस थोड़ा सा टाइम दे दो, जैसे ही पैसों का परमानेंट इंतजाम हो जाएगा नंदिनी को छोड़ देंगे। लेकिन तब तक हमें शांत रहना पड़ेगा, है? जो करना है चुपचाप, रिस्क नहीं ले सकते ना बेबी। जय जय, यहां भी नहीं, कहां चले गए? जय, हर जगह देख लिया, जय कहीं भी नहीं, कहां चले गए जय? सच कह रहे? कसम ऊपर वाले की। अच्छा तुम्हारी भी, देखो तुम्हारी कसम तो हम झूठी नहीं खा सकते ना, हैं? खोल लो। इस बार भरोसा कर रही हूं, भरोसा तोड़िएगा मत। नहीं
अभी तक यही हूँ, भूल गई। तुम्हें जय ने इस घर से बाहर निकल जाने के लिए कहा था। अपनी मर्जी की मालकिन, अब तो किसी का हुक्म नहीं मानते, हुक्म का भी नहीं। वाह, पेशे से हो नौकरानी लेकिन समझती हो खुद को महारानी। अगर हम चाहें ना चंपा, तुम्हें एक आवाज में धक्के देकर इस घर से बाहर निकलवाते। तो लगाइए आवाज, किस चीज का इंतजार कर रही हैं? लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं तो बाहर चली जाऊंगी लेकिन आप वजह क्या बताओगे? मैं खुशी खुशी बता दूंगी पूरे घर वालों को। है हिम्मत तो लगाइए आवाज। अरे क्या कर रही है चंपा, बचाने की जगह बात और बिगाड़ रही है। जय बेटा आज तो गया तू। क्या हुआ, निकल गई हवा? जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है उन्हें ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। कम से कम हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है, तुम्हारे जैसे तो नहीं कंगाल। मेरे पास भी खोने के लिए है, आपका पति। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम चंपा, शायद तुम जानती नहीं जय और हमारे बीच में अब सब ठीक हो गए हैं। देखा नहीं तुमने आज की आरती में क्या हुआ? हाँ, जितनी तेजी से आप हवा में उड़ रही हैं ना उतनी ही तेजी से। इनाफ, तुम्हारी बकवास सुनने का हमारे पास वक्त नहीं, निकल जाओ यहाँ से। ये का खिचड़ी पक रही है? क्या हुआ नंदिनी दीदी, हुआ सब ठीक है? हे भगवान, ये भी आ गई, हमारी तीन तीन जान की दुश्मन कच्चा चबाने के लिए तैयार हैं। जी भाभी साहब, वो चंपा थोड़ी काम चोरी कर रही थी तो उसे हम कुछ समझा रहे थे। अच्छा, क्या काम चोरी कर रही है जरा हमें भी बताइए। जी वो जय का फोन लाने के लिए कहा था हमने से और ये अभी तक नहीं लेके है और वहां पर जय परेशान हो रहे। हाँ तो मैं ढूंढ ही रही थी। तो जाओ ना फिर ढूंढो, यहाँ पर खड़े क्यों? गो। भाभी साहब हम भी आते हैं। तनी साहब, अच्छी बात है कि आप लोग ने मेरी शर्तें मान ली, बहुत अच्छा हुआ। उन शर्तों को आप पूरी भी कर रहे हैं लेकिन क्या है ना, उस वक्त मैं नशे में था तो कुछ भी बोल रहा था। लेकिन कहा तो आपने सच ही था ना, अब जो हो रहा है ना उसे होने दीजिए। तीन दिन के बाद का मुहूर्त निकला है और इन तीन दिनों में हमें पूरी रस्में पूरी करनी है, यहाँ तक कि लड़के और लड़की को भी अलग अलग रहना है। क्या अलग क्यों? दूर रहने से प्यार बढ़ता है इसलिए अलग रहना है। अच्छा ऐसा है, ठीक है जैसा आप सही समझे। ये भी रोमांस शुरू हुआ था, खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने। अच्छा वीर, हमें सगाई और संगीत की रस्म भी आज ही करनी होगी क्योंकि टाइम हमारे पास कम है ना। अरे जितना टेब है उसमें धूम मचा देंगे हम।
पल पल का मजा निचोड़ कर एकदम धमाल मचा देंगे। लो बताओ, ये पहली दुल्हन होंगी जो अपनी शादी में रोने की जगह धमाल मचाने की तैयारी कर रही है। हाँ रानी, दुल्हन है आप, थोड़ा सा शर्मा लीजिए। वो कहा है ना, शर्माने का सारा काम तो हमारा दूल्हा ही कर रहा है, तो हम काहे शर्माएं। रहता तुम्हारा, दुपट्टे में आग लग गई थी तुम्हारे, कुछ हो जाता तो? हो जाता। आपको कौन सा फर्क पड़ जाता विक्रम बाबू? क्या हो गया कचरी तुम्हें? मैं कल से देख रहा हूँ चिड़के जवाब दे रही हो, प्रॉब्लम क्या है? कचरी कहना है कचरी, क्या हुआ है बताओ? हम कहा बोले विक्रम बाबू, आपने तो फैसला ले लिया है कि आप बिहार रचाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे, पर आपको बिहार रचाना है तो अच्छा ही, पर हमें चिंता मत मचाइए, हमें अपने हाथ पर छोड़ दीजिए। अरे कजिर, तुम ये क्या बोले जा रही हो यार? देखो मैं एक वकील हूँ, मुझे घुमा फिरा के बातें करना नहीं आता, प्लीज साफ साफ बताओ क्या बात है। अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं दोस्त हूँ ना तुम्हारा, मुझे नहीं बताओगी? यही तो दिक्कत है विक्रम बाबू, आपको दोस्ती चाहिए और हमें प्यार। हाँ विक्रम बाबू, बहुत पहले आपको दिल दे बैठे थे और अब हमारे प्यार, हमारे फिकर सबको छोड़कर अब ऐसे कैसे प्यार जा सकते हैं? कजरी, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था। कजरी, तुम तो मेरे लिए तुमसे दूर रह के हमारे पीछे उलझन को कैसे सुलझाती हूँ? मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इनका प्यार पाने के लिए और इनसे प्यार करने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है। अगर मांगने से ना मिले तो छीनना पड़ता है कजरी। Excuse me, everyone. मैं आप सबको एक बहुत ही स्पेशल मेहमान से मिलाना चाहता हूँ। स्पेशल मेहमान कौन है? आप सब खुद देख लीजिए। अरे कियारा जी। जी हाँ। क्यों आई हो यहाँ?
मॉम प्लीज। ये देखिए तोहफा आ गया। गिफ्ट? अब दिखाइए भी सरवा कह रहे हैं। ये? दुई दुई हार, क्या बात है? ये देखिए दोनों नंदिनी के लिए हैं, एक दूसरे फंक्शन में देंगे। अच्छा यही सही मौका है चंपा दीदी को ट्रिगर करने का। अच्छा तो कोई बात नहीं, एक हार दूसरे फंक्शन में, परंतु अभी के लिए आपका दिल किस पर आया दोनों में से? भाभी साहब ये वाला दिखाइए। देखिए कहीं नंदिनी मेरा वाला हार ना ले ले। हमें घी वाला अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया पसंद है आपकी। थैंक यू जी। भाभी साहब हम आते हैं जी। अरे चंपा दीदी, अरे से गुस्से में काहे खड़ी आई है? उका है ना, आज नंदिनी दीदी को तैयार करने का जिम्मा आपका है, हम बहुत व्यस्त है ना, तो इसीलिए। ठीक है जय माता रानी। जल्दी जल्दी काम कीजिए ना, टाइम बहुत कम है हमारे पास। चलिए फिर चंपा दीदी, आपसे कहा था ना नंदिनी दीदी को तैयार करने के लिए, आओ आप कहीं का है नहीं। अरे आपसे बात कर रहे हैं, जाइए। विक्रम, विक्रम, हाय। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे, वो भी सबसे दूर अकेले में? यार सबके सामने ना बात ही नहीं हो पाती, कोई ना कोई बीच में बोल देता, तो मैंने सोचा कि हमें प्राइवेसी की जरूरत है ना? जो भी बोलना है ना जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। क्यारा तुम्हें पता है ना कि तुम शादी के लिए हाँ बोल चुकी हो, अब ये भाव खाने का टाइम गया। ओके खाऊंगी भाव, और तुम्हें जिंदगी भर मुझे भाव देना पड़ेगा। जानती हूँ कि हमारी शादी होने वाली है, पर मुझे हैंडल करना इतना आसान नहीं है, हाई मेंटेनेंस हूँ मैं। अरे सारे खर्चे उठा लूंगा मैं, तुम एक बार हुक्म तो करो, आओ। अरे तो कम बैठो। क्यारा मैं बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूं। बस इतना कहना चाहूंगा कि जो गलतियां पहले हुई वो अब दोबारा कभी नहीं होगी। जो बातें मैं तुमसे कहना चाहता था अब कभी अनकहीं नहीं जाएंगी। तुमसे दूर रह के मैं इतना तो समझ गया हूं कि तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। रानी बना के रखूंगा मैं तुम्हें। और तुम क्या बनोगे? राजा? मैं बनूंगा तुम्हारा गुलाम, जो सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और बदले में एक उफ तक नहीं करेगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? प्यार तो हमेशा से था, बस एहसास थोड़ा लेट हुआ। बातें बनाना सीख गए हो तुम आजकल। वकील हूँ मैडम, जबान का ना पक्का हूँ, और एक बार जो केस मैंने उठा लिया ना तो फिर उसे जीत के ही मानता हूँ। केस हूँ मैं तुम्हारी? नहीं नहीं, तुम तो मेरी जज हो, तो मेरी जिंदगी का हर फैसला तुम्हारा, जो मैं बिना कुछ कहे पूरा करूंगा।
I have something for you. Like it? ये है हमारे प्यार का बंधन. Strong, tight और कभी ना खुलने वाला. अब तुम जहां भी जाओगी ना, ये तुम्हें मेरी याद दिलाए. गिफ्ट तो बहुत क्यूट है तुम्हारा विक्रम, पर इसे देने की जरूरत नहीं थी. तुम्हें याद करने के लिए बस सिर्फ एक मुझे सांस लेने की जरूरत है. ठीक है, डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन. अरे जयराजा बाबू, आपकी दुल्हन वहां बैठी है, आप यहाँ कहाँ दूसरे लोगों पे घुसे पड़े हैं? चलिए आइए, ऐसे लगना चाहिए ना कि आप लोगों का ब्याह होने वाला है. फिर से फोटो खिंचवाइए साथ में, थोड़ा बतियाइए. वैसे आप दोनों का ब्याह होके थोड़ा टाइम तो बीत चुका है, तो जरा जयराजा बाबू आप बताइए कि नंदिनी दीदी का फेवरेट कलर का है? जी, यही हमारा फेवरेट कलर है. क्या बात है, अब आपकी बारी, आप बताइए जयराजा बाबू का फेवरेट कलर. ये भी कोई पूछने की बात है, इनका फेवरेट कलर ब्लू है. अरे क्या बात है, क्या बात है, माने एक सेकंड में दोनों ने जवाब दे दिया. दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है लगता है. चल खींचो, चल खींचे. चल दिखा लो, दो मिनट. रानी भाई को फोन करो और बोलो कि तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो. बोलो ना. मैं कर रही हूं. एक सेकंड. अरे खैरा जी, कहाँ रह गए आप? देवर जी और आप अब तक आए नहीं, सब आपका इंतजार कर रहे हैं. वो एक्चुअली मैं और विक्रम ना शहर से बाहर थोड़ा शॉपिंग करने आए थे. एक दो दिन लग जाएंगे, तो एक्चुअली हमें सॉर्ट आउट करने का भी सब टाइम भी नहीं मिला था ना, तो इसलिए शादी से पहले हमने सोचा कि थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले. आप घर में सब कुछ संभाल लेना. हाँ, एक दो दिन शॉपिंग करने गए. अच्छा अच्छा, समझ गए हम. अच्छा कोनो बात नहीं, आप उनके साथ वक्त बिताइए, हम यहाँ संभाल लेंगे बात को. आप चिंता मत कीजिए, और कछु चाहिए होगा तो हमें जरूर बताना.
जय माता रानी। ओके बाय। काम पे ले जाओ, चलो चलो। जल्दी करो। बांधो। जल्दी हाथ चलाओ ना, जल्दी। ये पैरों को बांधो, जल्दी। ये फोन अब हमारे पास रहेगा और कोनो चला के नहीं किया ना जी, समझे? ये हमारी पहली और आखिरी चेतावनी सची का खड़ी खड़ी इसे खड़ी कर, चलो चलो और बांधो अपने आप को। हमारे विक्रम बाबू को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। देखो कजरी तू, देखो कजरी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें विक्रम चाहिए ना, तुम्हें चाहिए कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, यही चाहिए ना तुम्हें? तुम्हें चली जाऊंगी, विक्रम को मत छोड़ पा। अरे तुम्हें जाने दिया ना तो रानी बहन भाग की तरह तक जाएगी और सारा प्लान खराब कर देगी हमारा। नहीं, वो हमारी बहन है, हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। हम कोनो सबूत नहीं छोड़ना चाहते ना कियारा जी। बात को समझिए, बात को समझिए। कजरी प्लीज, विक्रम बाबू ये सब तुमने किया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इसीलिए यहाँ बांध दे हम आपको, आराम से कोई बात सुनना ही नहीं चाहते आप। तो जाइए विक्रम बाबू, तो जाइए। आपके सर पे चोट लगी है ना, दिमाग पे चोट पड़ेगा, चाहिए। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों बांधा हमें ऐसे? क्या चाहती हो तुम? बताते हैं बताते हैं, पहले आप है ना कुछ खा लीजिए ना, खीजिए खाइए। मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाऊंगा मैं। बार बार अपमान सहने की आदत हमें ना है, अगर आपका यही बर्ताव रहा ना विक्रम बाबू, इलाज में सोचना भी मत। आपने हमारा पागल भी नहीं देखा है। हम एक बार जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, उन्हें पाकर ही चैन लेते हैं। ये हमारे राह के पत्थर बनकर आ गई है, तो पड़ी नहीं रहा। अजय कुछ भी ऐसा मत कर जिसमें बाद में तुम्हें पछतावा हो। जाने दो किफरा को प्लीज। अरे चली तो गई थी, न जाने क्यों वापस आ गई। हमें कह चुका कि इन्हें कहीं इन्हें बचाना है ना, तो हमारी बात काहे नहीं सुनते? कहा लीजिए ना। खाऊंगा जो तुम चाहोगे वैसा करूंगा मैं, खाऊंगा खाऊंगा। लीजिए 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 खाइए। कसम से विक्रम बाबू, हम ये सब करना नहीं चाहते थे, पर प्यार में तो सब कुछ जायज है ना। कैसे निकले हम यहाँ से? कुछ तो करना होगा, यहाँ ऐसे बन के बैठ नहीं सकते। आपको इस हालत में देखकर तकलीफ हमें भी हो रही है विक्रम बाबू, फिर हमारा भी दुख रहा है, पर क्या करें? करना जरूरी भी तो था ना, बस दो दिन और फिर तलाक तो आपका हो ही चुका है, भतीजी भी चौचक मुहर निकाल चुके हैं,
फिर आप हम ढेर सारी खुशियां ही खुशियां। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूंगा? काहे का कमी है? अरे हम आपको खुश रखेंगे, इनसे तो बहुत ही ज्यादा। ऐसा कभी नहीं होगा कजरी, पागल हो चुकी हो तुम, पागल। पागल पंथी में हम किसी का खून नहीं कर सकते, सुना आपने? तो बताइए आप हमसे ब्याह करेंगे ना या कियारा जी के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू करें हम? क्या हासिल करना चाहती हो तुम? क्या मिलेगा तुम्हें एक ऐसे शख्स से शादी करके जो तुमसे प्यार भी नहीं करता? मेरा अकेले का प्यार हम दोनों के लिए पूरा पड़ जाएगा, हो सके तो मैं माफ कर दीजिएगा विक्रम बाबू, हम ऐसे है नहीं। बस बस ब्याह तो आपको हमसे ही करना पड़ेगा, करेंगे ना? करेंगे ना विक्रम बाबू? मैं तुमसे शादी करूंगा। क्यारा को कुछ नहीं होना चाहिए। देखा क्यारा जी, आप तो बेवजह उड़ रही थी। आपने कहा था ना विक्रम बाबू मान जाएंगे, आपको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पर क्या करें, कहते हैं ना जो नसीब पे दुख होता है वो भोगना तो पड़ता ही है। सही है, इतने भी हैवान थोड़े हैं हम, ये सब तो हम प्यार के लिए कर रहे हैं अपने। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है कजरी। उन्हें भी खाना खिला दिया है। क्यारा? क्यारा क्या क्या हुआ इसे, क्या खिलाया तुमने? मूंगफली वाला पोहा और का। तुम्हारा दिमाग खराब है, उसे मूंगफली से एनर्जी है। कजरी मेरी रस्सी खोलो। अगर आप भाग गए तो मैं वादा करता हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी मेरी रस्सी खोलो प्लीज, प्लीज मेरी रस्सी खोलो, उसको कुछ हो जाएगा। देखिए विक्रम बाबू, कोई चलाकी मत करना वरना। हाँ मैं जानता हूँ तुम उसे नुकसान पहुंचाओगी, मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा मैं। दूर दूर से, दूर से। क्यारा सांस लो, लंबी सांस लो। इंजेक्शन, क्यारा अपने पर्स में इंजेक्शन रखती है, इसका पर्स कहाँ है? वही गई होगा। आप दोनों का अब चले, अपनी जगह पे चले। अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ी देर यहाँ रहने दो प्लीज। अपनी जगह पे चले जाइए, वरना क्यारा जी बैठिए और चलिए अपने पैर बांधिए, बांधिए विक्रम बाबू। क्या तुम्हें कजरी, तुम तो ऐसी नहीं थी, दूसरों का ख्याल रखती थी, उनकी फिक्र करती थी, इतनी मतलब ही कैसे हो गई तुम? ये ठीक है विक्रम बाबू, जब तक हमने दूसरों की सेवा की हम अच्छे थे, जैसे ही अपने बारे में सोचा हम मतलब ही हो गए। हमको कोई हक नहीं है का खुश रहने का और अपने बारे में सोचने का? अरे हम तो आपको सब कुछ अपना देने को तैयार थे, वहाँ पे जो ग्यारह के पीछे मजनू बने फिर रहे। अरे आपका तो सब कुछ खत्म हो गया था ना,
आप दोनों ने मजबूर किया हमें ये सब करने के लिए। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। विक्रम बाबू बड़े बोले हैं आप, आपको शायद पता नहीं हम एक बार जो चाह लेते हैं ना पका पा कर ही रहते हैं। कल हमारा ब्याह है, एक बार सारी रस्म पूरी हो जाए फिर किया रचे तो का आप भी कचुक कर नहीं पाएंगे। पति का नाम तो लिख दो जरा, जयराजा बाबू का जे और नंदिनी दीदी का एन। चंपा डार्लिंग। कोई डार्लिंग नहीं हूं मैं, आप ना एक नंबर के झूठे हो। गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि वो रानी मेरे हर काम में टांग अड़ाती है। छोड़ूंगी नहीं उसे, उसे जान से मार दूंगी और नंदन दीदी को भी। चंपा शांत हो जाओ, ऐसे जोश में होश खोकर कुछ करोगी ना तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। अरे नंदिनी के पैसे जरूरी है हमारे लिए, ये सब तो ड्रामा है ना यार, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। सब नंदिनी दीदी के आगे पीछे घूमते, सब उन्हें प्यार करते हैं, तोहफे देते हैं, दिल चलता है मेरा। मैं अभी के अभी जाके ना सबको हम दोनों की सच्चाई बता दूंगी। अरे चंपा रुको, देखो पागल हो गई हो क्या? हम समझ सकते हैं तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन ऐसे ना इमोशनल होकर कुछ करोगी ना तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। हमें बस थोड़ा टाइम दे दो, हम सब ठीक कर देंगे। अब तो हमारे पास सबूत भी है, माफ कीजिएगा नंदिनी दीदी, हम जानते ही देखने के बाद आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी, परंतु यही एक रास्ता है इस दरिंदे का सच बाहर निकालने का। तुम्हारा टेम खत्म जय राजा बाबू, इधर सच बाहर आएगा और उधर तुम इस घर से और नंदिनी दीदी की जिंदगी से बाहर जाओगे। भी खुल जाएंगे। आज हमारा मेहंदी है और कियारा जी आप हमारी हथेली पे विक्रम बाबू का नाम लिखेंगी है ना? हाँ हाँ जरूर कजरी, और पता मैं बहुत अच्छी मेहंदी की डिजाइन निकालती हूँ। दिमाग बहुत फास्ट चलता है। भाभी साहब प्लीज छोड़िए ये सब। नंदिनी दीदी कहा कह रही है आप, आपको इस पर विश्वास है? हमें जय पर विश्वास है भाभी साहब, देखिए जय हमारे पति, हमने आपसे और भाई से पहले भी कहा था कि हम जय के साथ खुश हैं। हाँ थोड़ी अनबन होती है लेकिन वो तो हर रिश्ते में होती है ना। नंदिनी दीदी आप ही सब का एहसास रानी, नंदिनी बोल रही है ना कि वो जय के साथ खुश है, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। बात अभी खत्म नहीं हुई है राजेश्वरी जी, हम जय पर तो भरोसा कर सकते हैं लेकिन इस चंपा पर नहीं। शुरू से ही हमें इसकी नीयत ठीक नहीं लगी, इसकी नजर जय पर है और इस बात पर हमें कोई शक नहीं है। अरे हमारी माँ, जैसे ही सब कुछ ठीक हो रहा था आपने क्यों? चप्पा ये
ये जो कुछ भी बोल रही है क्या वो सच है? नीचे क्या देख रही हो? सामने देखो और बताओ, ये जो कुछ भी बोल रही है क्या वो सच है? वो रब रानी साहब, हे भगवान, शर्म आती है हमें। हमारे सामने एक मासूम लड़की पर लांछन लगता जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। सही कहा है किसी ने, आज के जमाने में एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही है। इसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है चंपा, जिसको जो समझना है समझने दो। तुम जाओ यहाँ से, कहीं और काम ढूंढो जहाँ तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि जिन लोगों की गंदगी तुम साफ कर रही हो ना, वो तुम्हें गंदगी समझकर तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे। हमारी वजह से और बेइज्जत होने की जरूरत नहीं, जाओ तुम। ये लो कुछ पैसे रख लो, काम आएंगे। हम हर इल्जाम सह सकते हैं, लेकिन एक अबला नारी का अपमान नहीं सह सकते। कल ना निकल, बाहर जाके मिल। रानी सही, बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। चंपा दीदी सिर्फ इस जयसिंह का प्यादा है, अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करता है, और अपना सारा सच ना उगल दे इसीलिए पैसे देकर उसे चालाकी से यहाँ से भेज दिया। आप सच में हमसे इतनी नफरत करती हैं भाभी साहब? तुम नफरत करने के लायक हो इसीलिए करते हैं। बस कीजिए। देखिए भाभी, हम जय पर विश्वास करते हैं और सिर्फ यही मायने रखता है, क्योंकि ये हमारी शादी, हमारी जिंदगी, और इसके फैसले लेने का हक सिर्फ हमारा है। जय, अब चलिए हमारे साथ। चलो बेबी। अरे नंदिनी बेटा, कहाँ जा रही हो? शादी की तैयारी चल रही है। नहीं मॉम, हमें कोई शादी नहीं करनी। चलिए नंदिनी दीदी, अगर आप ऐसे चली जाएंगे तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इतने टाइम बाद इस घर में खुशी आई है, आप प्लीज हमारी वजह से ऐसे नाराज होकर मत जाइए। शायद हम ही कंफ्यूज आ गए, हमसे कोनो गलती हो गई होगी, हम समझ नहीं पाए होंगे। प्लीज आप हमारी बातों का बुरा मत मानिए और रुक जाइए। हम आपसे माफी मांगते हैं सारी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो समझ में ही नहीं आ रहा इसे क्या करे कि नंदिनी दीदी हम पर यकीन करे। यानी आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं थी डॉक्टर साहब? वो तो हम, यानी मैं जानता हूँ आपने माफी इसलिए मांगी ताकि नंदिनी घर छोड़ के ना जाए, लेकिन फिर भी बेवजह किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। हमने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था, कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि बाकी सब भी करेंगे बहुत जल्दी। तो ऐसा क्या करें जिसे सबको हम पर भरोसा हो जाए? अपने इस दिमाग में से एक और नया तरकीब निकाल कर। अरे रानी, इतने बड़े बड़े मुश्किलों को झेल कर उन पर जीत हासिल की आपने। ये जयसिंह क्या चीज है? इसके सामने हारेंगे आप? कोई चांस ही नहीं है। और मैं साथ हूं ना आपके, आप बस ये बता दीजिए कि करना क्या है। ओके, आज से अभी से ये आंसू आंसू रोना धोना सब बंद। आपके इस चौचक से चेहरे पर ये सूट बिल्कुल नहीं करता। डील? डील। मिस्टर जयसिंह, आपको अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपके नाम का अरेस्ट वारंट है हमारे पास। एक मिनट, ये सब हुआ तो हुआ कैसे? क्या कहा आपने इंस्पेक्टर साहब? मैंने कहा कि आपको अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। जुर्म क्या है? रॉयल फैमिली को धोखा देना, हुकुम साह को ब्लैकमेल करना और एक लड़की पर डोमेस्टिक वायलेंस। समझ गए
आरोप है। सबूत क्या है आपके पास? सबूत तो खुद जयराजा बाबू ही है। इन्होंने जो कुछ भी कहा हमने सुना भी और फोन में रिकॉर्ड भी किया। अरे तुम्हें पता है कितनी मेहनत की थी हमने इन पैसों को पाने के लिए, कितने पापड़ मिले थे। रजावतों को बर्बाद करने का प्लान बनाया, सबसे झूठ गए, राक्षसा के तलवे तक चाटे, उन ताऊसा के साथ मिलकर प्लान बनाया, और तुमने मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था, कागज में साइन करवा के बेवकूफ बनाया हमारा। अरे बेवकूफ तो तुम पहले से ही हो जयराजा बाबू, वरना ये कागज जो फाड़ सकते थे वो भी ना ही किए, बताओ अब क्या करोगे? नंदिनी बेबी कह दो ये सब झूठ है, नंदिनी प्लीज हमें जेल नहीं जाना, हमें जेल, हमें बचा लो प्लीज। अरे 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 इतना रोइए मत, गिड़गिड़ाइए मत, अभी तो सारा खुलासा बाकी है, माफी बाद में मांग लीजिएगा। चंपा दीदी। चंपा तुम भी? जैसे को तैसा हुक्म। इंस्पेक्टर साहब ये इंसान एक नंबर का कमीना है, इसने मेरी नंदिनी दीदी को मारा, परेशान किया, घर के काम करवाए। क्या कह रही हो चंपा डार्लिंग? सोच कर देखिए चंपा दीदी, जो आदमी अपने माता पिता अपनी पत्नी का सगा नहीं रहा कितने दिन तक आपका साथ देगा? अपने फायदे के लिए एक दिन वो आपकी भी बलि चढ़ा देगा, ये बात आप ही जानती है। तो अब फैसला आपका है, या तो हमसे हाथ मिला लीजिए या फिर उज्जय राजा बाबू के साथ सजा पाइए। ये सब कुछ तुम्हारे बुड़बक पने के वजह से हुआ है जयराजा बाबू। नंदिनी दीदी तुमसे इतना प्यार करती थी, तुम्हें भगवान का दर्जा दिया और तुमने क्या किया? ये बिल्कुल भी मान नहीं दी, और ऐसे रिश्ते का फायदा ही का जिसमें इज्जत के लिए भीख मांगनी पड़े। नंदिनी प्लीज हमें बचा लो। बस जी हम थक चुके, हमने बहुत कोशिश की आपको सुधारने की, लेकिन आप नहीं सुधर सकते। रिश्ता दो लोगों से चलता है और इस रिश्ते को अकेले आगे बढ़ाते बढ़ाते हम थक चुके बस। नंदिनी तुमने हमें इसके बारे में बताया क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता था हम साथ नहीं देते तुम्हारा? हमें आपको परेशान नहीं करना था मां, इसलिए आई एम सॉरी। तुम्हारा जाने का टेम आ गया है जयराजा बाबू। मम्मी आप हमारी मदद करो ना। अरे बेटे हैं हम आपके, आप आखिरी सहारा है हमारा, माँ प्लीज बचा लो हमें, हमें जेल नहीं जाना माँ। शायद हमारी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई थी, जो आप ऐसे निकले, हमें आपकी शक्ल अभी नहीं देखनी है अब। नंदिनी प्लीज हमें बचा लो। चंपा प्लीज बचाओ ना, अरे कोई तो बचा लो हमें। अरे अरे एक टू मिनट तुम्हारे जैसा काला मन वाला इंसान ऐसे साफ सुथरा जेल जाए वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मौसा जी पीछे जाओ, हाथ पीछे करो, देखो आगे मत आना, हमारे पास मत आना, बता रहे हमारे पास नहीं। अरे क्या करे, अरे पीछे जाओ। लेके चलो इसे। अरे क्या कर, नंदिनी बचाओ मैं। चंपा हमें माफ कर दो रानी, तुमने हमें इतना समझाने की कोशिश की लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। हम उस जय सिंह पर भरोसा कर बैठे, हमसे गलती हो गई। आज से हमारी एक बेटी नहीं है, दो बेटियां हैं। माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए।
नहीं नंदिनी दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ भाभी साहब हमें गर्मी लग रही है। हाँ माँ, हमें भी सांस नहीं आ रही। हमें भी। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने हमारे परिवार के ऊपर से हर काले साये को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। राजमाता, अब तो आप देखिएगा हमारे घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। और वैसे भी हमारे दोनों भाइयों की शादी भी है, अब तो पूरे धूमधाम से होगी हमारे घर की शादी।